तो क्या हाल है भाइयों आपके? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर खुश होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। आज के ब्लॉग में भाई फैमिली नहीं आएगी, आज के ब्लॉग में बात होगी सिर्फ टेक्निकल चीज़ों के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने कैमरे के बारे में। ये है भाई कैनन G7X Mark II। इस कैमरे को मैं करीब पिछले 25 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। ये मुझे मेरी फैमिली ने बर्थडे गिफ्ट दिया था, कैनन G7X Mark II। तो भाई ये कैमरा 2016 में मार्केट में आया था और मैंने ये 5 साल बाद खरीदा। उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बनाता था, व्लॉग अब बनाता हूँ इसलिए मैंने अब खरीदा है। लेकिन अब मैंने क्यों खरीदा ये कैमरा? अब इसके बीच में 5 साल में बहुत सारे कैमरे आ गए मार्केट में, क्वालिटी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन फिर भी ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि भाई ये बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा है अब तक। क्या क्या खासियत है और मैंने ये क्यों लिया, वो सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। सबसे पहले बता दूँ, इससे पहले मैं सारे जो व्लॉग्स थे, यानी कि 3 जुलाई से पहले, यानी मेरे बर्थडे से पहले जो भी मेरे व्लॉग्स थे वो शूट होते थे मेरे iPhone 7 से या फिर मेरे हीरो गोप्रो हीरो क्या बोल रहा हूँ हीरो गोप्रो हीरो 8 से। ये छोटा सा एक्शन कैमरा है, ये बाइक के लिए आउटडोर के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इंडोर में बिल्कुल काम नहीं करता अच्छे से भाई। इसको बहुत ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशली नेचुरल लाइट की, और यही दिक्कत मेरे iPhone 7 के साथ थी। उसको भी भाई लाइट चाहिए होती बहुत ज़्यादा, बाहर बहुत ऐसम वर्क करता था भाई। कितने प्यारे शॉट्स आते थे, सारे शॉट्स में बाहर iPhone 7 से लेता, लेकिन जैसे ही मैं घर में आता सो भाई इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती थी। वो इसीलिए क्योंकि मेरे घर में, यानी मेरे रूम में और मेरे जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें कहीं पर भी नेचुरल लाइट का सोर्स नहीं है, इस वजह से आईफोन वहाँ काम नहीं करता। और इस वजह से मैंने स्विच किया कैनन G7X Mark II के ऊपर, और भाई इसकी क्वालिटी बहुत ऐसा है, आगे आपको व्लॉग दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं जो शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं iPhone 7 से, और अभी पलक झपकते ही इसकी क्वालिटी आपको नजर आने वाली है। फिलहाल शूट कर रहा हूँ भाई मैं कैनन G7X Mark II से। क्वालिटी में कितना फर्क है आप देख रहे होंगे। पहले भी कमरे में एक सिंगल ये ट्यूबलाइट जल रही है और इसके अलावा कोई लाइट नहीं है, और सिंगल ट्यूबलाइट जो पतली वाली ट्यूबलाइट होती है हमारी, उसके अंदर कितनी प्यारी वीडियो ये शूट कर रहा है आप लोग देख ही पा रहे हैं। इसी वजह से मैंने कैनन G7X Mark II लिया। 5 साल बाद भी कैमरा मैंने इसीलिए लिया क्योंकि भाई इसकी जैसी क्वालिटी किसी और कैमरे में नहीं आ रही, और जो इसका प्राइस आता है, प्राइस क्या है वो मैं बता दूंगा, और इसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने कितने का लिया वो सब बता देंगे वीडियो के एंड में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। सबसे पहली बात, इसके अंदर आपको मिलती है फ्लिप स्क्रीन, कुछ इस तरह की है। इसको आप फ्लिप कर सकते हैं अपनी तरफ भी और बैक साइड से भी देख सकते हैं, और बैक साइड में कुछ स्क्रीन इतनी फ्लिप हो जाती है, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से लाइट जो है मेरे इस तरफ है, मेरे राइट हैंड पे, और अगर मैं बिल्कुल लाइट के बैकग्राउंड में चले जाऊंगा इस तरह, तो भी आप देख रहे हैं थोड़ा वाइट हो गया, लेकिन क्वालिटी अभी भी ठीक आ रही है। अगर मैं लाइट के अपोजिट आ जाता हूँ सो भाई फिर तो क्वालिटी इसकी अनमैच है। अब देखो क्वालिटी, सिंगल ट्यूबलाइट के सामने क्वालिटी ऐसी है, अगर नेचुरल लाइट की बात करूँ तो भाई बहुत बढ़िया है। अभी तो फिलहाल रात हो गई, आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मेरा पुराने ब्लॉग देख लेना उसमें आपको मज़ा आ जाएगा। ये कैमरे की खासियत थी, मैंने इसलिए इसको लिया है। इसके अलावा जो मेरा दूसरा कैमरा था वो ये है। ये है भाई मेरा दूसरा कैमरा GoPro Hero 8 विद मीडिया मोड। आप देख रहे हो भाई फोकस कितना प्यारा है इसका। अभी मैं इसको हटाता हूँ ये मुझे फोकस कर लेगा, और जैसे ही मैं लाता हूँ कैमरे को आगे ये कैमरे को फोकस कर लेगा। यही कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया कैनन G7X Mark II लेने के लिए। और भाई बजट फ्रेंडली था, इतने में DSLR भी आ सकता था, लेकिन DSLR क्यों नहीं, क्योंकि भाई सबसे पहली बात तो DSLR काफ़ी बड़े होते हैं, बल्कि होते हैं, फिर उनके हिसाब से आपको लेंसेस लेने पड़ते हैं, और लेंस लगाने के बाद DSLR इतना बड़ा हो जाता है एक हाथ जितना, सो भाई आप कैरी नहीं कर सकते। कैनन G7X Mark II की जो खासियत है वो ये कि इसको आप पॉकेट में लेकर चल सकते हैं, जहाँ मर्जी शूट कर सकते हैं। और कई जगह पर तो ना कैमरे की टिकट होती है, ये मालूम नहीं पड़ता कि कैमरा है, मोबाइल फ़ोन की तरह जेब में रखा और एंट्री करके पूरा शूट किया वापस आ गए, सो आपको पैसे ही बचा देता है। खरीदे तो ये मजाक वाली बात, असली में भी होता है ऐसा। खासियत आप देख रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन है, बैकग्राउंड में ब्लर करता है, बहुत सारे फंक्शन है, फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी करता है। यही कुछ चीज़ें थी, और क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। क्या प्राइस, प्राइस बेटा मुझे 36,000 रुपये का अमेजोन से शोरूम में पता किया, तो वहाँ पर इसका रेट था भाई 40,000-41,000 मांग रहे थे कैनन वाले, बहुत महंगा दे रहे थे, तो मैंने उनसे बात नहीं बनी तो मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। गलती ये हो गई, 4 दिन पहले इसका रेट 32,000 रुपये आ गया था,
लेकिन जब मैंने लिया नहीं, मैंने इसको कार्ट में डाल दिया। कार्ट में डालते ही अमेजोन वालों को मालूम पड़ गया कि ये बंदा परचेस करने वाला है, सो उन्होंने सीधा 3,000 बढ़ा दिए और मैंने ये लिया 35,000 रुपए का। हाँ ये बताया था बॉक्स में आपको क्या मिलता है, ये तो इसका बॉक्स है जो आपको दिखा चुका हूँ मैं। ऐसा कुछ बॉक्स आता है, उल्टा है क्या, सीधा है, ये कुछ बॉक्स आता है इसके साथ में आप देख सकते हैं। इसमें आपको एक कैमरा मिलता है, बैटरी मिलती है, मेमोरी कार्ड नहीं मिला मुझे, एक हाथ का स्ट्रैप मिलता है, और इसको बंद कर दूँ, इसकी रिकॉर्डिंग चले जा रही है बाद में ना मुझे। ओहो देखो 9 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। अभी जब ग्राइंडर लगाने बैठता ना तो इतनी लंबी फाइल बन जाती। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके कुछ फोटोज़ जो मैंने क्लिक किए हैं। अगर वीडियोस देखनी है तो मेरे लद्दाख की जो पूरा टूर है वो देख लेना यार, पूरा टूर मैंने इससे शूट किया है, गजब का मज़ा आ जाएगा आपको, मालूम पड़ जाएगा कि कैसा शूट करता है, आउटडोर इनडोर हर तरह से उसमें आपको शॉट्स मिलने वाले हैं। फोटोज़ आप देख लीजिए जो आगे आने वाले हैं अभी। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. आई होप आपको मेरी फोटोग्राफी अच्छी लगी होगी। टाइम पास कर लेता हूँ, तालियां बजा सकते हैं, अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। कैमरे के साइज के हिसाब से आपको वेट थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगेगा, हल्का सा भारी कैमरा है इसके साइज के हिसाब से, वैसे वजन नहीं है लेकिन आप जब देखेंगे इसका साइज की पॉकेट फ्रेंडली है, लेकिन जब उसको उठाएंगे फील करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार तो भारी है, सो थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा। नुकसान क्या है इसका, नुकसान यह है कि इसके अंदर आप एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते, आपका जो इंटरनल माइक आता है उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कैनन G7X Mark II के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कैसा भी सवाल है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हैं, सो बेधड़क भाई कमेंट कर देना, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, विद इन 2 to 5 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाएगा रिप्लाई, ये मेरा एवरेज टाइम है, बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ मैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग, सो बाय बाय।